हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ रिलायंस जियो के बारे में। कि आप अपनी जो रिलायंस की सिम है उसको आप 3G फोन में कैसे चला सकते हैं, क्योंकि रिलायंस जियो सिम आने के बाद वो लोग बहुत ही नाराज़ हैं जिनके पास 4G फ़ोन नहीं है, क्योंकि जियो सिम सिर्फ 4G फ़ोन में ही सपोर्ट करता है। ऐसे में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप अपने 3G फ़ोन में रिलायंस जियो की सिम को चला सकते हैं। मैं आपको बताता जाता हूँ कि आपको अब सिर्फ मामूली सी सेटिंग करनी है जियो सिम को अपने 3G फोन में चलाने के लिए। फर्स्ट आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपका मोबाइल मीडियाटेक सीपीयू सपोर्ट करता है तो ही आप जियो की सिम चला सकते हैं। ज़्यादातर मीडियाटेक सीपीयू माइक्रोमैक्स के सपोर्ट करते हैं, पैनासोनिक के हो गए, ये इनमें जो सीपीयू होता है वो ज़्यादातर मीडियाटेक का ही होता है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक इंजीनियरिंग मोड ऐप है उसको डाउनलोड करना है। जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे उसको ओपन कीजिए। इस ऐप से आप एक एडवांस सेटअप रन करवा सकते हैं जो कि MTK फोन इंजीनियरिंग मोड मेन्यू में मिलेगा, इसे सर्विस मोड भी कहते हैं। अब आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल हुई इस ऐप को ओपन करें और इंजीनियरिंग मोड का मोबाइल स्पेसिफिक कोड एंटर करें। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। अब आपको एक MTK सेटिंग पर टैप करें और प्रीफेयर नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको इसमें 4G LTE WCDMA और GSM में से नेटवर्क मोड सेलेक्ट करना होगा। इन तीनों में से आपको 4G LTE नेटवर्क मोड को सेलेक्ट करना है और अपना मोबाइल रिस्टार्ट करना है और जियो की सिम आपके 3G फोन में चल जाएगी। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सबको बताया जा रहा था, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है इससे रिलेटेड कि जियो सिम को कैसे चलाना है। आप IMEI चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ कोई कुछ करता है, कोई कोई ऐप डाउनलोड करता है। ये वाली ऐप मैंने अपने मोबाइल में, पैनासोनिक के मोबाइल है मेरे पास, उसमें मैंने ये ट्राई किया था, कामयाब हुआ मैं। इसका MediaTek CPU था मेरा। आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली इंजीनियरिंग मोड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अगर डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप अपने कीपैड में स्टार हैश ये 3646 ये एक कोड है, मैं बता देता हूँ आपको क्या है, आप उसको एंटर कीजिए और इंजीनियरिंग मोड पर आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपको सिर्फ अपने प्रीफेड नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसमें जो नेटवर्क है उसमें 4G को सिलेक्ट करना है सिर्फ, और आपका मोबाइल रिस्टार्ट मारिए और आपकी जियो सिम चल जाएगी। तो दोस्तों, बस इतनी सी ही ट्रिक है ये, छोटी सी, जिससे आप अपने जियो सिम को 3G फ़ोन में भी चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करना ना भूलें, इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।